कि किंगडम प्लांटी के अंदर हम किन ऑर्गेनिज्म को रखेंगे, तो यहां पर मैंने कहा कि उन ऑर्गेनिज्म को रखा जाएगा जो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, एंड ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ कि सिंथेसाइज देयर फूड बाय इटसेल्फ, सिंथेसाइज देयर फूड बाय इटसेल्फ, तो ये अपना खाना पीना खुद से सिंथेसाइज करेंगे। और इनके पास में अगर देखा जाए तो सेल वॉल भी होगा। तो मैंने एक चीज और यहां पर कहा कि दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या परफॉर्म करेंगे, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे जो किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया है। तो अब हम देखते हैं बेसिकली कि यहां पर प्लांट्स को हमने क्लासिफाई किया है दो टाइप में। एक है बेसिकली क्रिप्टोगेम्स, ठीक है, एक है क्रिप्टोगेम्स और एक है पिनरो गेम्स। तो प्लांट्स कितने टाइप के हैं? हाँ जी, एक क्या है क्रिप्टो गेम्स और एक क्या है पिनरो गेम्स, पता है बात? नहीं, क्रिप्टो गेम्स कौन से प्लांट होते थे? यस सर। हाँ जी, क्रिप्टो गेम्स कौन से होते थे कि जिनके अंदर हिडन मैरिज थी? कैसी मैरिज थी? That is an hidden जिनके marriage. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होते हैं। Obviously. और यहां पर अगर आप देखेंगे तो नेकेड मैरिज है। यहां पे लिखा हुआ है क्रिप्टो, और क्रिप्टो के मायने होते हैं बेसिकली हिडन के, और यहाँ लिखा है गेम्स, गेम्स के मायने हैं मैरिज के। यहां पर मैंने कहा कि दिस इज द फिनरो, तो फिनरो माने हो गया नेकेड एंड गेम्स के मायने हो गया मैरिज। लेकिन फिनरो गेम का एक और नाम है, दैट इज नोन एज, दैट इज एन स्पर्मेटोफाइटा। तो इसका एक और नाम है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब हुआ दे आर सीड बियरिंग प्लांट। कैसे प्लांट्स हैं ये? दैट इज सीड बियरिंग प्लांट प्लांट्स है ये। अब क्रिप्टो गेम्स की अगर बात करें हम, तो क्रिप्टो गेम्स कौन कितने टाइप के हैं? दैट इज अ थ्री टाइप के हैं। एक क्या है? दैट इज एन एल्गी। दूसरा क्या है? दैट इज ब्रायोफाइट्स। तीसरा क्या है? टेरिडोफाइट। दैट इज आर टेरिडोफाइट्स। सो क्लियर? एल्गी को थैलोफाइटा भी तो कहते हैं। जी बिल्कुल कहते हैं। तो लेकिन उसका असली नाम जो है वो एल्गी है, तो दैट इज आर थैलोफाइट्स। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि थैलोफाइट हुआ, ब्रायोफाइट्स हुआ, टेरिडोफाइट हुआ। फेनरोगेम की बात करें तो फेनरोगेम को मैंने कहा दो टाइप में आपने डिवाइड किया, एक था जिम्नोस्पर्म्स और एक था एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स कितने टाइप का था भाई? तो एंजियोस्पर्म दो टाइप का था, कौन कौन सा? मोनोकोट डायकोट, तो पहला है डायरेक्ट डाइकॉट एंड दूसरा है दैट मोनोकोट। इज मोनोकॉट। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो एल्गी को भी मैंने फर्दर क्लासिफाई किया है, तो एल्गी फर्दर क्लासिफाई है दैट इज आर थ्री टाइप में। तो एक है बेसिकली रैड एल्गी, रैड एल्गी, दूसरा है दैट इज आर ब्राउन एल्गी, और तीसरा है दैट इज अ ग्रीन एल्गी।
और एल्गी कितने में डिवाइडेड है? एक है रेड एल्गी, एक है ब्राउन एल्गी और एक है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी। इसके बाद अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट जो है ये भी कितने टाइप के हैं? दैट इज थ्री टाइप्स के। एक क्या है? तो एक है लिवरवर्ट्स, ठीक है। दूसरा क्या है? दैट इज अ हॉर्नवर्ट्स। और मॉसेस। लिवरवर्ट्स का एक और नाम है, दैट इज अ हेपेटिकोप्सिडा। हॉर्नवर्ट्स की बात करें तो एंथोसिरोप्सिडा। और मॉसेस की बात करें तो दिस इज अ ब्रायोप्सिडा। ठीक है। लिवरवर्ट्स का दूसरा नाम क्या है? हाँ जी, हेपेटिकोप्सिडा। यहां पर अगर देखें आप तो यहाँ लिखा है हेपेटिक, और हेपेटिक माने होता है लिवर के। यहां लिखा है एंथो, एंथो माने हॉर्न के। और मॉसिस की बात कर लें तो दिस इज द ब्रायोप्सिडा, दिस इज अ ब्रायोफाइट या ब्रायोप्सिडा। बात यहां तक क्लियर हुई? इसके बाद अगर देखा जाए तो टाइडोफाइट्स की बात करते हैं तो टाइडोफाइट्स भी फोर टाइप के हैं। एक है साइलोप्सिडा, एक है लाइकोप्सिडा, एक है स्फेनोप्सिडा, एक है टेरोप्सिडा। दैट इज टेरोप्सिडा। यहां तक कंप्लीट हुआ? यस सर। सर ऊपर कर दिए थोड़ा। ऊपर कर दें थोड़ा सा, अभी नोट नहीं कर। हाँ यस सर, ऊपर। हाँ यस, थोड़ा और। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो एक है साइकेडेल्स, दैट इज अ साइकेडेल्स। और क्या है? कॉनिफरेल्स। कॉनिफरेल्स। और क्या है? नीटेल्स। कुछ नहीं। That is needles. Sir, needles. चलिए यहां तक कंप्लीट हुआ? चलिए सर, आपने लास्ट वाला क्या लिखा है? जिम्नोस्पर्म्स। नीटेल, नीटेल, ऐसे लिखा जाएगा नीटेल। हो गया नीटेल? यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट आइए। ओ स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहलाते हैं? हाँ जी, स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहलाता है?
हाँ जी बॉटनी बॉटनी फादर ऑफ बॉटनी कौन है? एरिस्टोटल. बिल्कुल भी नहीं, दैट इज थियोफ्रास्टस. तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? दैट इज अ थियोफ्रास्टस. यहां तक बात समझ गए? यस सर. ठीक है. अच्छा जी, चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहले लाइफ साइकिल की. लाइफ साइकिल की बात करते हैं. लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो तीन तरीके की हैं लाइफ साइकिल, या चलिए चार तरीके की लाइफ साइकिल्स हैं. कितने तरीके की लाइफ साइकिल्स हो गई? फोर. चार तरीके. तो एक लाइफ साइकिल कहलाती है, दैट इज अ हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. कौन सी लाइफ साइकिल? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. दूसरी है, दैट इज अ डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. कौन सी लाइफ साइकिल? दैट इज अ डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. फिर आती है, तो ये है हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. फिर है, दैट इज अ डिप्लो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. तो यहां पर बात आई कि लाइफ साइकिल कितने तरीके की है. दैट इज अ हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जो है फोर टाइप में. हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं कौन? दैट इज एन एल्गी. तो एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी होगी? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. उसके बाद हैप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल आपको मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको ब्रायोफाइट्स के अंदर. किसमें मिलेगी? ब्रायोफाइट्स में. डिप्लो हैप्लोन्टिक की बात करें तो ये आपको मिलेगी टेरिडोफाइट्स के अंदर. इसके अंदर टेरिडोफाइट्स. और डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो ये आपको मिलेगी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. क्लियर है? Yes. तो लाइफ साइकिल के कितने टाइप्स हैं? फोर टाइप्स. फोर टाइप्स हैं. कौन कौन से? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डाइप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. हाँ जी. और हैप्लो हैप्लोटिक लाइफ साइकिल और हैप्लो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. दैट इज द डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. चलिए एक और टर्म देखिए. यहाँ पर मैंने कहा कि एक टर्म है, दैट इज अ गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी. कौन सी बॉडी है ये? गैमेटोफिटिक. दैट इज अ गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी. तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का मतलब क्या हुआ? तो मैंने कहा कि द प्लांट बॉडी विच डू नॉट हैव, विच डू नॉट हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स. क्या मतलब है? हाँ जी, क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब थैलस लाइक बॉडी. आप कह सकते हैं कि इस प्लांट बॉडी के अंदर ना तो ट्रू रूट है, असली रूट नहीं है, असली स्टेम नहीं है, असली लीव्स नहीं है. और अगर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं है तो इसका मतलब ये प्लांट बॉडी कहलाती है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी. समझे? तो
फिर मैंने यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है, मैंने कहा कि ईच सेल ऑफ द प्लांट हैव अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स। क्या मतलब हुआ? हाँ जी, क्या है कि ईच सेल ऑफ द प्लांट हैव अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स। इसका क्या मतलब है कि हर सेल के अंदर, प्लांट के हर सेल के अंदर अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स होंगे, अनपेयर्ड। बात यहां तक समझ गए? नहीं सर, टू रूट स्टेम लीव्स का मतलब सर कैसी होगी फिर? रूट स्टेम मतलब ये कि अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, तो मैंने कहा कि अगर आप एल्गी देख लीजिए, क्या एल्गी आपने देखी है कभी? हाँ जी, एल्गी देखी है कभी? काई देखी है पानी वगैरह में? नहीं सर। काई नहीं देखी? अच्छा, कभी पॉन्ड वगैरह के अंदर देखी हो तैरती हुई काई, ग्रीन ग्रीन? हाँ जी, देखिए आप, आप में से किसी ने देखी है? हाँ सर, हाँ सर। आप लोगों में से किसी और ने देखी? नहीं देखी काई? देखिए काई, क्या काई के अंदर जो है रूट स्टेम लीव्स होते हैं? नहीं होते हैं? नो, नहीं होते। और जब नहीं होते हैं तो इसीलिए एल्गी की बॉडी कैसी है? गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है। कैसी प्लांट बॉडी है? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। इसी तरीके से अगर आप ब्रायोफाइट्स के अंदर देखेंगे तो यहां पर भी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी नजर आएगी। क्या नजर आएगी? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी नजर आएगी। क्लियर है यहां तक बात या नहीं? यस सर जी, यहां तक समझ गए? आगे बढ़े तो सर इन्हीं में अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं जी। इन एल्गी के हर सेल को आप देखेंगे तो अनपेयर्ड क्रोमोसोम मिलेंगे आपको सबके अंदर। समझ रहे? किसी भी क्रोमोसोम का पेयर नहीं होगा, किसी भी क्रोमोसोम का जोड़ा नहीं होगा सेल के अंदर। दूसरी प्लांट बॉडी कहलाती है, दैट इज एन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। कौन सी प्लांट बॉडी है ये? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की बात करें तो मैंने कहा कि दीज प्लांट्स हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। क्या मतलब हुआ कि इन प्लांट्स के अंदर क्या होगा? वेल डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम और लीव्स होगा इनके अंदर। क्लियर है? और ईच सेल हैव पेयर्ड क्रोमोसोम। हर सेल के अंदर क्या कंडीशन होगी? पेयर्ड क्रोमोसोम्स, पेयर्ड क्रोमोसोम्स मिलेंगे। किसके अंदर? दैट इज एन स्पोरोफिटिक के अंदर। और जब पेयर्ड मिल रहे हैं तो हम इसको लिखते हैं 2n से, यानी आपको मिलेंगे यहां पर डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स। कैसे मिलेंगे? दैट इज डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। और यहां की बात कर लें तो यहां पर आपको मिलेंगे दैट इज एन हैप्लॉइड क्रोमोसोम, हैप्लॉइड। यहां तक क्लियर है बात? यस सर। ओके चलिए, तो अब जरा देखते हैं, हम सबसे पहले आते हैं, हम लोग देखते हैं दैट इज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पर। किस पर? That is our diplontic life cycle. Diplontic life cycle कौन शो करता था? हाँ जी, एल्गी। अरे diplontic life cycle एल्गी शो करेगी? ब्रायोफाइट। नो सर, क्या लिखा है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, अच्छा। और इसके अलावा आपने कहा कि प्रेजेंट इन, that is our gymnosperms, angiosperms and in fucus. Iske andar, that is fucus. Fucus ek tarike ki kya hai?
दैट इज एन एल्गी है. तो फ्यूकस एल्गी के अंदर लाइफ साइकिल कैसी है? डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल. तो दैट इज अ डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल है. क्लियर है बात? यस. अच्छा जी, अगर ये बात क्लियर है देखिए, यहां पर अगर देखें आप तो यहां पर एक छोटा सा ये प्लांट आया, ये छोटा सा प्लांट निकला. इस प्लांट के सारे सेल्स कैसे होंगे बताइए जरा? डिप्लॉयड होंगे, एप्लॉयड होंगे? हाँ जी, डिप्लॉयड. क्यों डिप्लॉयड होंगे भाई? सवाल ये है क्या डिप्लॉयड क्यों होंगे? देखिए सीधी सी बात है कि अगर आप देखते हैं तो ये मैंने कहा कि दिस इज अ सीड, ठीक है, और इस सीड को जब आपने जमीन में लगाया तो इससे एक इस तरीके का प्लांट निकल के आया, छोटा सा, समझ रहे हैं? छोटा सा प्लांट निकल के आया. ये जो प्लांट निकल के आया है, इस प्लांट के हर सेल को अगर आप देखते हैं, हर सेल को, तो हर सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयर में होंगे. तो यहां पर मैंने लिखा कि दिस इज डिप्लॉइड. डिप्लॉइड का मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से. और मैंने कहा कि डिप्लॉइड हम तब कहते हैं जब क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं. तो आपने कह दिया कि क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर. क्रोमोसोम किस में मिलेंगे आपको? पेयर्स में मिलेंगे. दैट इज क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर. तो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सब किस में मिलेंगे आपको? पेयर में होंगे या नहीं होंगे? ये छोटा सा प्लांट निकला तो ये भी बेसिकली कैसा था? दैट इज पेयर्ड में. अब मैंने कहा कि अब यहां पर ये प्लांट की जिंदगी आगे बढ़ी. यहां पर जब प्लांट आया तो प्लांट ऑब्वियस बात है पहले के मुकाबले में बड़ा हो जाएगा. हाँ जी, पहले के मुकाबले में बड़ा हुआ? नहीं हुआ. अच्छा जी, अभी भी अगर देखा जाए तो ये कैसा है प्लांट? दैट इज 2n, ठीक है? यस सर. ओके, अब यहां पर बात आई तो प्लांट और बड़ा हुआ. ये सारा प्लांट कैसा था? दैट इज डिप्लॉइड. डिप्लॉइड, ठीक है. अब और अगर आप देखें तो अब इसके ऊपर क्या आ गया इस बार? फ्लावर. तो दैट इज फ्लावर आ गया. पक्की बात है yes, या नहीं है? अच्छा ठीक है, फ्लावर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जरा बताइए जल्दी से. एंथर स्टेमिन पिस्टल सिग्मा स्टाइल ओवरी. सबसे पहले अरे सुनिए, That is a sepal, petals, ठीक है, और तीसरा है stamens, और फोर्थ है that is a carpel, ठीक है, और carpel का ही दूसरा नाम है that is pistil. यहां तक समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? यानी ये बताइए कि यहां तक अभी तक अगर देखें तो क्या फ्लावर आया था यहां पर कहीं पर भी इन तीनों स्टेजेस में? यहां से जब नहीं आया, यहां पर जब प्लांट पहुंचा तो यहां पे फ्लावर आया या नहीं आया? सेपल और पेटल की बात करें ये तो डिप्लॉइड ही होगा,
होगा नहीं होगा बताइए। यस सर। और स्टैमिन की और कापल की बात करें तो ये भी कैसा है, दैट इज डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड होगा। अब जब डिप्लॉयड होगा तो स्टैमिन के ऊपर आता है पॉलन ग्रेन, याद है आपको? यस सर। स्टैमिन पे क्या आएगा? पॉलन ग्रेन। और कापल पे क्या आएगा? एग। एग आएगा। इसका मतलब और आगे जब हम लोग बढ़े, अभी तक ये सारा का सारा डिप्लॉयड था या नहीं था बताइए? यस सर। अब जब डिप्लॉयड था तो इस फ्लावर के ऊपर अगर देखें हम, तो इस फ्लावर के ऊपर एक था स्टैमिन और एक क्या था, दैट इज अ कापल। पक्की बात है? Yes, और ये भी अगर देखा जाए तो ये दोनों भी कैसे थे, दैट इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड। स्टैमिन भी कैसा था, डिप्लॉयड। स्टैमिन पर अब अगर देखा जाए तो स्टैमिन पर क्या आएगा आगे चल के बताइए? पॉलन ग्रेन। तो इस पर आ जाएगा, दैट इज अ पॉलन ग्रेन। और कापिल की बात करें तो इस पर क्या आ जाएगा, एग। तो दैट इज एग आ जाएगा, आ जाएगा। अगर पॉलन ग्रेन की बात करें तो ये है हैप्लॉइड और एग है हैप्लॉइड। क्लियर है? यानी पॉलन ग्रेन कैसा है, हैप्लॉइड। एग कैसा है, हैप्लॉइड। समझ में आ रही है? तो अब अगर आप देखें तो ये है हैप्लॉइड, है या नहीं है? अब यहां से ये आगे बढ़े और ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है, फर्टिलाइज करेंगे। और फर्टिलाइज करने पर ये एक सीड बनाएंगे, ठीक है, ये सीड बनाएंगे। और सीड जब ग्रो करेगा तो ये प्लांट फॉर्म हो जाएगा, ये छोटा सा प्लांट। तो ये जो छोटा सा प्लांट बना है, ये प्लांट कैसा है, डेट इज हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड है। तो अगर देखा जाए तो इस प्लांट के अंदर अगर देखें तो सिर्फ इतनी देर के लिए ये वाला जो पार्ट था, सिर्फ ये वाला हिस्सा सिर्फ हैप्लॉइड में बना था। ये बना था हैप्लॉइड में, नहीं बना था? यस सर। अदरवाइज प्लांट की पूरी बॉडी ज्यादातर किस टाइप में गुजरी है, हैप्लॉइड में, डिप्लॉइड में? डिप्लॉइड। दैट इज डिप्लॉइड में। तो इसका मतलब ये आ गया डिप्लॉइड। और इस स्टेज की बात करें तो ये वाला कौन सा आया था बताइए? हैप्लॉइड। तो ये आ गया था हैप्लॉइड। पक्की बात है? यस सर। तो इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 95% स्टेज कैसी रही है, दैट इज डिप्लॉइड जैसी। और 5% कैसी रही है, डिप्लॉइड, दैट इज हैप्लॉइड रही है। क्लियर है बात? यस सर। नहीं है तो 95% जो है वो डिप्लॉइड है और 5% जो है वो हैप्लॉइड है। तो इसका मतलब इसमें मेजॉरिटी फेज जो है प्लांट ने किस कंडीशन में गुजारी है, डिप्लॉइड में या हैप्लॉइड में? डिप्लॉइड में। तो आपने इस लाइफ साइकिल को कह दिया, दैट इज आवर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या नाम दे दिया इसको, दैट इज आवर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कब कहलाएगी, जब क्या होगा बताइए? जब 95% मतलब डिप्लॉयड वाली स्टेज ज्यादा होगी प्लांट की, ज्यादा होगी। क्लियर है यहां तक बात? नहीं है? ओके हां सर, है क्लियर। ठीक है, अब आते हैं हम। चलिए डिप्लॉयड वाली समझ में आ गई ना, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ज़ेबा, ज़ेबा जल्दी बताओ तुम्हें समझ आई? यस सर। अच्छा जरा बता देंगी कैसे कैसे हुआ है, जल्दी बताइए कैसे बना है सारा, कैसे हमने इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा? ओके सर, तो सबसे पहले हमारे पास एक प्लांट था जिसके जिसके टू एंड डिप्लॉयड सेल्स। देखिए ऑब्वियस बात है, ये प्लांट आया कहाँ से है? तो ये प्लांट आपको मैं बता दूं कि ये प्लांट आपने एक सीड से जर्मिनेट हुआ है। किससे जर्मिनेट हुआ है, दैट इज अ सीड से। और सीड से जो प्लांट निकला है वो डिप्लॉयड प्लांट निकला है। कैसा प्लांट निकला है, डिप्लॉयड। अब बताइए क्या हुआ? तो फिर वो सीड ग्रो किया और उसमें एक फ्लावर आया। उस फ्लावर में अभी कहां से आ गया फ्लावर, अभी इतनी जल्दी फ्लावर आ जाएगा बताइए?
सर ग्रो हुआ ना? हाँ ग्रो होगा, और बिना ग्रो हुए थोड़ी होगा। तो पहले ग्रो किससे हुआ है, माइटोसिस से मियोसिस से? सम हाँ जी, तो यहाँ पर जितना भी हो रहा है दैट इज माइटोसिस से हो रहा है। ग्रोथ किससे होती है? माइटोसिस। तो ये बात याद रख, समझ गए? तो यहाँ पर माइटोसिस में आप देख रहे हैं कि एक सेल डिवाइड कर रहा है और दो नए सेल बना रहा है, दोनों नए सेल जो है वो आइडेंटिकल है अपने पैरेंटल सेल से। जबकि मियोसिस में अगर देखा जाए तो एक सेल डिवाइड कर रहा है और चार नए सेल बना रहा है और चारों नए सेल डिफरेंट हैं अपने पैरेंटल सेल से, यानी पैरेंटल सेल और डॉटर सेल बिल्कुल अलग अलग है। और जब अलग अलग है तो ये कंडीशन हो गई मियोसिस। मियोसिस का काम होता है गैमेट्स फॉर्मेशन का, यानी मियोसिस का क्या काम है? तो मियोसिस का काम है गैमेट फॉर्मेशन का। जबकि माइटोसिस का क्या काम था बताइए? माइटोसिस का काम था ग्रोथ में। किसमें काम था? ग्रोथ में। ग्रोथ। और अगर मैं बात करूं गैमीट्स की, तो गैमीट हम कहते किसको हैं? तो गैमीट का मतलब हुआ दैट इज अ पॉलन ग्रेन या एग। ये बात होती है प्लांट के अंदर, बात कर ली हमने, दैट इज प्लांट्स के अंदर है ये कहानी। और अगर यहां देखा जाए तो मैंने कहा कि ह्यूमंस के अंदर देखेंगे, एनिमल्स के अंदर देखेंगे, तो ये स्पर्म और ओवा जो है ये भी गैमीट्स है। तो ये भी गैमीट्स है। बात यहां तक समझते हैं? हाँ, जर्म सेल्स जो होंगे ये गैमीट्स कहलाते हैं, जर्म सेल्स। तो दैट इज अ जर्म सेल्स। बात यहां तक समझ गए? नहीं बताइए जल्दी से। अच्छा जी, अब यहां पर आपने देखा कि स्टैमेन था, स्टैमेन से पॉलन ग्रेन बने, इसका मतलब गैमीट बना। और गैमीट किस डिवीजन से बनेगा? हाँ जी, मियोसिस से पॉलन ग्रेन बना और एग बना। इसका मतलब इस स्टेज में हैप्लॉइड कंडीशन है, अदरवाइज पूरे के अंदर कैसी कंडीशन थी? दैट इज डिप्लॉइड। अगर प्लांट की जिंदगी 95% डिप्लॉइड में गुजरी है और 5% और लेस देन 5% अगर हैप्लॉइड में गुजरी है, तो आपने इस लाइफ साइकिल को क्या नाम दे दिया? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आपने इसका नाम दे दिया, दैट इज अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कुछ बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। सबको क्लियर है ये वाली बात? यस सर। बताइए, चलिए नेक्स्ट आइए, दैट इज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था दैट इज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें नजर आती थी, जरा बताइए जल्दी से। एल्गी। तो दैट इज एन एल्गी के अंदर। अच्छा जी, होती क्या है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, होती क्या है बताइए? कुछ आइडिया है सर? जिसमें हैप्लॉइड स्टेट ज्यादा हो, डिप्लॉन्टिक। ऑब्वियस बात है कि जिसके अंदर हैप्लॉइड स्टेट ज्यादा हो। ये फिलहाल मैंने कहा कि दिस इज द स्पोर, और ये स्पोर कैसा है? हैप्लॉइड। पहली बात, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल किसमें नजर आती थी? एल्गी। एल्गी के अंदर। ठीक है, स्पोर जब ग्रो किया तो इसने ग्रो किया तो इसने कुछ इस तरीके की बॉडी बनाई, और इस बॉडी के अंदर अगर देखेंगे तो ऐसे करके सेल्स हैं। दिखाई दे रहे हैं सेल्स? यस सर। नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। इसका मतलब हर सेल के अंदर अगर देखेंगे तो कैसी कंडीशन होगी, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, मुझे पता नहीं है। हाँ जी, तो कैसे डिवाइड किया है स्पोर? तो स्पोर डिवाइड कर रहा है माइटोसिस से। तो ये क्या बना रहा है?
तो इसने बनाना शुरू कर दिया थैलस। क्या बनाना शुरू कर दिया? थैलस। थैलस और बड़ा हुआ। थैलस क्या हुआ? और बड़ा हुआ। और बड़ा, बड़ा? और अगर थैलस और बड़ा हो गया तो ये बन गया थैलस। क्या होता जा रहा है थैलस में? क्या हो रहा है बताइए जरा? बड़ा होता जा रहा है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? मैच्योर माइटोसिस। ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ किस डिवीजन से होती थी? माइटोसिस। माइटोसिस। ये बताइए कि थैलस के हर सेल में क्या कंडीशन होगी जरा बताइए? स्पोर हैप्लोइड था या नहीं था? यस सर। तो ये सारे सेल्स कैसे होंगे? हैप्लोइड। हैप्लोइड। ये कैसा होगा? हैप्लोइड। ये कैसा होगा? हैप्लोइड। बात यहां तक क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो ये थैलस और बड़ा हो गया। बड़ा हो गया? नहीं हो गया। यस सर। अब यहाँ का एक सेल स्पेशलाइज्ड हुआ, ये एक और सेल स्पेशलाइज्ड हो गया। समझ गए? जब ये सेल जो स्पेशलाइज्ड हुआ है तो इसका एक नाम आपने दे दिया, दैट इज नोन एज एंथ्रीडियम। क्या नाम दिया? एंथ्रीडियम। और एक नाम दिया, That is an oogonium. क्या नाम है? That is an oogonium. तो ये basically अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों reproductive cells हैं। Yes sir. कैसे cells हैं ये? Reproductive cells. That is a reproductive cells हैं। Otherwise इस plant के, इस body के सारे cell ये वाले थे। अब की बात है? हाँ जी बताइए। है ऐसे नहीं? तो ये बताइए कि क्या ये रिप्रोडक्टिव सेल जो है ये यूनिसेलुलर है यहाँ पर, ये वाले थैलस के अंदर, या मल्टी सेलुलर है? सो यूनिसेलुलर। तो आपने कह दिया कि एल्गी, एल्गी के अंदर यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन से, यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स है। सेक्स ऑर्गन्स का नाम क्या है? हाँ जी, सेक्स ऑर्गन्स का नाम क्या है? तो एक का नाम है एंथ्रीडियम और एक का नाम क्या है? दैट इज एन ओगोनियम। तो ओगोनियम जो है दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये कैसा था? फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और एंथ्रीडियम कैसा पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और सर मेल फीमेल एक ही में है तो ये मोनोशियस हुआ, तो इसीलिए मोनोशियस हुआ या होमोथैलिक हुआ। ठीक है, इसको आपने क्या कह दिया? दैट इज अ होमोथैलिक। होमोथैलिक कब कहला रहा है? व्हेन Both male and female sex organs present on same thalli. क्या यहां तक बात क्लियर है? नहीं है? Yes, हाँ जी। ओके, ये पूरी बॉडी जो है ये हैप्लॉइड थी या नहीं थी बताइए? ये वाली बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड। ये बॉडी भी हैप्लॉइड है। क्लियर है? अब अगर देखा जाए तो इसने, इस वाले सेल ने यहां पर स्पोर बनाया, इसने भी स्पोर बनाया, बनाया ये स्पोर, ये स्पोर बनाया। ये स्पोर जो बनाए हैं, ये स्पोर हैप्लॉइड होंगे डिप्लॉइड होंगे? हाँ जी, हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड होंगे। क्यों हैप्लॉइड होंगे? हाँ जी, क्योंकि ये सेल ने बनाया था ये वाला, याद है?
नहीं है, ये सेल था yes, sir. जिसने बनाया था, इस सेल को आप क्या कह रहे थे? Deployed. That is an anthridium and oogonium. समझ रहे हैं या नहीं? एंथ्रीडियम जो है वो स्टैमिन के जैसा है. एंथ्रीडियम किसके जैसा है? स्टैमिन के जैसा. और ऊगोनियम किसके जैसा है? दैट इज अ कार्पेल के जैसा. कार्पेल, हाँ. तो इसका मतलब ऊगोनियम के अंदर क्या चीज बनेगी बताइए जरा, ये किसको बनाएगा? दैट इज फीमेल गैमिट बनाएगा, मेल गैमिट बनाएगा? फीमेल. तो दैट इज अ फीमेल गैमिट बनाएगा. आया ना? जिस yes, तरह कार्पेल के अंदर फीमेल गैमिट बनता था जिसका क्या नाम था? एग. एग. इसी तरह एंथ्रीडियम किसके जैसा है? स्टैमिन. तो स्टैमिन के अंदर क्या बनता था? पॉलन ग्रेन्स. तो इसी तरह एंथ्रीडियम में क्या बनेगा? तो इसमें बनेगा बेसिकली दैट इज अ मेल गैमिट. क्या बनेगा? मेल गैमिट. तो दैट इज मेल गैमिट. तो इसका मतलब अगर मैं इसको कह रहा हूं एंथ्रीडियम और इसको मैंने कहा कि दिस इज ऊगोनियम, तो एंथ्रीडियम से क्या बन गया? ये मेल क्या बन गया? मेल गैमेट. ये ऊगोनियम से क्या बन गया? फीमेल गैमेट. तो इसका मतलब एंथ्रीडियम और ऊगोनियम भी तो हैप्लॉइड ही होगा या नहीं होगा? यस सर. क्योंकि पूरी की पूरी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी या नहीं थी? यस सर. ठीक. अब ये दोनों गैमीट आपस में फर्टिलाइज कर जाएंगे. तो देखिए, ये भी फर्टिलाइज किया, ये फर्टिलाइज किया, और इससे जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उससे क्या बनता है फर्टिलाइजेशन से, बताइए जल्दी से. जाइगोट. तो दैट इज अ जाइगोट. तो देख लीजिए ये क्या बन गया? जाइगोट. बन गया जाइगोट या नहीं? Yes, अगर आप पहली बार देखें तो यहां पर पहली बार डिप्लॉइड कंडीशन आई है. इससे पहले डिप्लॉइड कहीं पर भी नहीं था. दिखाई दे रहा है? इससे पहले कहीं पर भी डिप्लॉइड था? नो सर. अब ये जो जाइगोट था इसके अंदर मियोसिस होगा. क्या होगा? मियोसिस. और मियोसिस से ये कितने स्पोर बना देगा? फोर. तो देखिए इसने कितने स्पोर बना दिए. तो ये चार स्पोर्स बना दिए हैं. और चार स्पोर्स किस डिवीजन से बनाए हैं? तो ये बनाए हैं मियोसिस से. क्लियर है? मियोसिस से बनाए नहीं? yes, बनाए. और जब चार स्पोर्स बने हैं तो ये चारों स्पोर जहां जहां जाके गिरेगा, यहां गिर गया, यहां गिर गया, जहां जहां जाके गिरेगा वहां वहां नई प्लांट बॉडी बनाएगा या नहीं बनाएगा? यस सर, बनाएगा. तो मुझे ये बताइए कि ये वाली जो जिंदगी प्लांट की गुजरी है, ये वाली जिंदगी प्लांट की किस में गुजरी है? हैप्लॉइड में या डिप्लॉइड में? हैप्लॉइड. तो ये गुजरी है बेसिकली हैप्लॉइड के अंदर. ठीक है? यस सर. और ये वाली जिंदगी किस में गुजरी है? ये वाली डिप्लॉइड. तो डिप्लॉइड कितनी देर के लिए आया था? हाँ जी, अगर देखा जाए तो 95% प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड. हैप्लॉइड है. और 5% कैसी है? डिप्लॉइड. डिप्लॉइड इज डिप्लॉइड. तो हैप्लॉइड हुआ, डिप्लॉइड हुआ, तो इसका मतलब मेजॉरिटी जिंदगी इस प्लांट की किस में गुजर रही है? हैप्लॉइड. हैप्लॉइड में गुजर रही है. इसीलिए लाइफ साइकिल क्या कहला रही है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. दैट इज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. कुछ बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर. बताइए जल्दी से. तो यहां पर आया फर्टिलाइजेशन. तो जब ये फर्टिलाइजेशन हुआ है यहां पर, तो फर्टिलाइजेशन से ये क्या बन गया? ये जाइगोट. और जाइगोट में फौरन क्या हो गया? मियोसिस. इसीलिए इसका नाम पड़ गया जाइगोटिक मियोसिस. क्या नाम पड़ गया? जाइगोटिक मियोसिस. जाइगोटिक मियोसिस. क्लियर है यहां तक बात? अच्छा जी. जाइगोटिक मियोसिस होने पर, जाइगोटिक मियोसिस कहते किसको हम?
सर जब जायगोट डिवाइड होता है तो मियोसिस टेक्स प्लेस इन जायगोट, टेक्स प्लेस इन जायगोट. तो मियोसिस किस में हो रहा है? जायगोट. जायगोट के अंदर जब मियोसिस होगा तो इसको आप कह देंगे मियोसिस टेक्स प्लेस इन जायगोट, दैट इज नोन एज जायगोटिक मियोसिस. क्लियर? और इससे क्या बन गए? स्पोर्स बन गए हैं. ये स्पोर्स यहां पर निकल कर आ गए, आ गए नहीं आ गए, और अब ये फिर से तैयार है लिबरेशन के लिए, डिस्पर्सल के लिए, और एक बार डिस्पर्स हो जाएंगे फिर से नई प्लांट बॉडी बनाएंगे. हाँ या ना? Yes, yes, sir. तो इन प्लांट्स की अगर क्वालिटी देखेंगे तो ये प्लांट्स की ज्यादातर जिंदगी हैप्लॉइड में गुजरी है, देख लीजिए, और बहुत थोड़ी सी जिंदगी इनकी डिप्लॉइड में गुजरी है. तो इसीलिए ये लाइफ साइकिल क्या कहलाती है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? ओके, अच्छा जी, चलिए अगर ये बात है तो अच्छा, एक बात बताइए. चलिए एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए सारी बात. ये क्या है? एल्गी. ये क्या है? दैट इज अ ब्रायोफाइट्स. क्या है? ब्रायोफाइट्स. ये क्या है? टेरिडोफाइट. दैट इज टेरिडोफाइट्स. ये क्या है? जिम्नोस्पर्म्स. और ये क्या है? एंजियोस्पर्म्स. तो दैट इज एन एंजियोस्पर्म्स. क्या ये बात सही है? यस सही. मैंने कहा कि जिम्नोस्पर्म के, एंजियोस्पर्म के अंदर अगर स्टेमिन है, क्या है एंजियोस्पर्म के अंदर? स्टेमिन है. तो स्टेमिन की जगह पर जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? तो इसकी जगह पर होगा माइक्रोस्पोरोफिल. यस सर जी. क्या बात समझ में आई? स्टेमेंस की जगह माइक्रोस्पोरोफिल होता है जिम्नोस्पर्म में. जिम्नोस्पर्म के अंदर. इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आप जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे होंगे, और जिम्नोस्पर्म जब आप पढ़ रहे होंगे और अगर बात आ रही है स्टेमिन जैसे स्ट्रक्चर की, यानी स्टेमिन की, तो आप स्टेमिन न कहकर उसको क्या कहेंगे जिम्नोस्पर्म के केस में? माइक्रोस्पोरोफिल. और टेरिडोफाइट के अंदर आप कहेंगे इसको एंथ्रीडियम. क्या कहलाएगा? एंथ्रीडियम. ब्रायोफाइट में भी देखा जाए तो क्या कहलाएगा? दैट इज एन एंथ्रीडियम. एल्गी में भी क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा एंथ्रीडियम. क्या यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर. ओके, अगर मैं कहता हूं कापल, तो कापल मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है? फीमेल. फीमेल पार्ट है. बात पता है ना? इसके ऊपर कौन सा गैमेट, ये कौन सा गैमेट बनाएगी? कापल फीमेल गैमेट बनाएगी. तो मुझे ये बताइए कि एल्गी के केस में कापल की जगह क्या होगा? ओगोनियम. That is an oogonium. Bryophytes में क्या होगा? That is known as archegonium. क्या कहलाएगा? Archegonium. समझ गए? और pteridophyte के अंदर भी अगर देखेंगे तो क्या कहलाएगा? That is known as archegonium. क्या यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कहलाएगा मेगा स्पोरोफिल. क्या कहलाएगा? दैट इज अ मेगा स्पोरोफिल. बात क्लियर है नहीं है? यस सर. आगे बढ़ू? यस सर. ओके, यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर होता है सीड. जिम्नोस्पर्म में भी क्या है? दैट इज सीड. टेरिडोफाइट के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्पोर से बनते हैं, लेकिन ये स्पोर कैसे होंगे? दैट इज डिप्लॉइड भी होंगे और हैप्लॉइड भी होंगे. समझ गए? और अगर यहां के स्पोर देखेंगे तो सिर्फ हैप्लॉइड बनेंगे. तो एल्गी के स्पोर कैसे होंगे? दैट इज एन हैप्लॉइड. और ब्रायोफाइट की अगर स्पोर की बात करें तो ब्रायोफाइट के स्पोर की बात करें तो ये भी हैप्लॉइड होगा. लेकिन टेरिडोफाइट की बात करें तो यहां पर स्पोर दो तरीके के होंगे,
एक होगा डिप्लॉइड और एक होगा हैप्लॉइड। डिप्लॉइड वाला बनाएगा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, क्या बनाएगा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, और हैप्लॉइड वाला बनाएगा दैट इज अ गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। कौन सा वाला? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। क्लियर है बात? एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं यहां पर कि एल्गी कैसी थी, एल्गी की बॉडी कैसी थी, दैट इज एन हैप्लॉइड, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल शो करता था, लेकिन बॉडी हैप्लॉइड थी। ब्रायोफाइट की बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड। एडिडोफाइट की बॉडी डिप्लॉइड है। क्या है? डिप्लॉइड है, मेन बॉडी डिप्लॉइड है, मेन बॉडी, समझ गए? जिम्नोस्पर्म की बॉडी मेन बॉडी कैसी है? दैट इज डिप्लॉइड। यहां पर भी मेन बॉडी कैसी है? दैट इज डिप्लॉइड। जब डिप्लॉइड होती है तो हम इसको कहते हैं स्पोरोफाइट, या कहलाती है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो इन सारे प्लांट्स के अंदर, यहां से लेकर यहां तक अगर देखा जाए तो इन सारे प्लांट्स के अंदर किस तरीके की प्लांट बॉडी है बताइए? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। और यहां से लेकर यहां तक अगर देखा जाए तो कैसी होगी? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। तो दैट इज अ गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। कुछ बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। तो दैट इज अ गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। यहां तक बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है? यस सर। ओके।